तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ रांची से दिल्ली की ओर और मैंने टिकट लिया है स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में। कुछ और ये देख सकते हैं रांची के जो कि स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस है। और आपको आगे की सफ़र इसी तरह दिखाएंगे किस तरह से ये ट्रेन मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, आपको सारे फीडबैक दूंगा। और मैं मूड़ी स्टेशन पहुंच चुका हूँ, आप देख सकते हैं रांची से एक घंटे के बाद मूड़ी स्टेशन और हमारी ट्रेन अब निकल चुकी है। गाड़ी 2 घंटे लेट हो चुकी है। ट्रेन वाकई में लेट चलती है और इसमें मैंने पहले तो सुना था कि ये बहुत अच्छी ट्रेन है, बट कुछ लोगों के पास मैंने पूछा और बाद में पता चला कि ये ट्रेन डेली 5-6 घंटे लेट होती है। सो अब तो कुछ कर नहीं सकते। अभी मैं दूसरे दिन मॉर्निंग में कानपुर पहुंच गया हूँ, कानपुर सेंट्रल, बहुत ही फेमस स्टेशन। यहाँ के लोग अधिकतर मसाला पान गुटखा खाते हैं, उसके लिए फेमस है ये स्टेशन। पता नहीं, और भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कानपुर किस लिए फेमस है। और हमारी ट्रेन अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है। कुछ देर के लिए हम लोग ने आराम किया और आगे की सफ़र इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और आगे भी दिखाएंगे आपको। और हमारी ट्रेन अब कानपुर से चल चुकी है। यहाँ आगे आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही अच्छा था और ये सफ़र अब सुहाना धीरे धीरे होते जा रहा है, क्योंकि मौसम बहुत बाहर का मौसम बहुत अच्छा कारण। कुछ दूर चलने के बाद हमें मोर भी दिखा और ये एक जानवर आपको दिख रही है, इसको हम लोग नील गाय भी बोलते हैं और ये बहुत ही सुंदर भी है, बट मगर ये बदनाम भी उतना ही, क्योंकि ये जानवर फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसके लिए किसान हर समय परेशान रहते हैं इस जानवर से। देख सकते हैं मेरे मोबाइल में कितना सुंदर ये दृश्य कैप्चर हुआ है। ये देखिए कुछ और भी हैं आगे जा रहे हैं।
2-3 घंटे ट्रेन हमारी लेट हो गई है, इसके कारण मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लग जाएगा दिल्ली पहुंचने में। और हमारी ट्रेन की रफ्तार धीरे होती जा रही है, कहीं रुक जाती है कहीं फिर चलती है, बहुत देर कहीं कहीं रुक जाती है बिना कोई स्टेशन के। मगर ये मनमोहक दृश्य देख के सब कुछ भूल जाने का मन करता है। तो अब हम लोग उसके बाद दिल्ली स्टेशन पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं दिल्ली स्टेशन दिया, मगर इसका दिल्ली गायब हो गया है। धन्यवाद।